था जब मैं सुबह में गया स्टाफ पर, तो ये एक चीज देखने को आई मेरे सामने कि बहुत सारी गाड़ियां जल गई थी और पता नहीं वो जुनून क्यों, कौन थे, कहां के थे, इसका तो कोई अंदाजा नहीं लगा सका। तो वहां कुछ आला ऑफिसर थे जिनसे मैंने गुफ्तगू किया, उन्होंने मुझसे पूछा, तो मैं कहा कि भाई ये बंदे हमारे बस्ती के नहीं हो सकते जिन्होंने आगजनी की है। उसका उदाहरण ऐसा है कि मेरी अपनी खुद की गाड़ी राम मंदिर के पास सालों से खड़े रहती है, कोई वहां धक्का नहीं लगाता, लेकिन मेरी गाड़ी को भी पूरी तहस नहस कर दिए। तो यह साफ समझ में आता है कि वो मेरे अपने बस्ती के लोग नहीं हो सकते, ये कहीं ना कहीं बाहर के शरिया लोग थे जिन्होंने माहौल खराब करने के लिए यह मामला क्रिएट किया। जिन्होंने ये हरकत किए बेशक उन पर कार्रवाई होना चाहिए, जो दोषी है हम उनका समर्थन नहीं करते। हमारे पुलिस आयुक्त निखिल गुप्ता जी से कि हमारे जो पुलिस स्टेशन जिंसी के पीआई थे केंद्रेकर साहब, अगर इनको अगर आप यहाँ ला लेते एजेंसी के अंदर तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी, क्योंकि बेशक आप उनके वायरल कर दीजिए तस्वीरें, ताकि वो जो 91 लोग जो भी होंगे मोमेंट में जो भी कर रहे होंगे तो वो खुलेआम सबके सामने आ जाएंगे, तो वो दोषी सबको समझ में आएगा, तो कहने की पुलिस की भी मदद हो जाएगी। लेकिन वो लोगों की वजह से आज हजारों लोगों में दहशत फैल गई है, दहशत के माहौल में यंग जनरेशन जी रहा है कि कहीं मुझे ना पकड़ ले। तो ये दहशत को जो है दूर करो और अमन और शांति के साथ इस पर कार्रवाई करें। पुलिस ने शहर का वातावरण एकदम शांत कर दी है और एक अमन और शांति हमारे शहर में है, लिहाजा अपने कारोबार को खोले। पहली बात तो ये गलती इम्तियाज जल्ली साहब ने करी कि हमारे नौजवानों को उन्होंने जो बटन प्लेयर कहा है उनका, वो तो पुलिस जांच करेगी ना। तुम क्यों उचका रहे हो ये बटन प्लेयर है और इनपे एक्शन, अरे वो एक्शन लेने वाली पुलिस है, तुम क्यों हमारे मोहल्ले को और हमारे बस्ती को कह रहे कि वहाँ जुए खाने के धंधे चलते हैं और वहाँ फला ऐसा धंधे चलते हैं। सर अभी जो औरंगाबाद के हालात चल रहे हैं, रमजान का महीना है, इसके ऊपर आप क्या रोशनी डालेंगे, आप किस नजरिए से देखते हैं हालात? देखिए जो हालात अपने पास रमजान शरीफ में हुए और खास करके जो किराड़पुरे का जो मसला हुआ है, ये एक शर्मनाक हादसा है हम सब के लिए और खास करके हमारे लिए, क्योंकि हम तो किराड़पुरे के पैदावार है और उस मंदिर के जो है बड़े खिदमतगार है जिसको हमारे पुरखों से वहाँ हम लोग देखते आए हैं। और उस मंदिर के सामने जो घटना घटी है बहुत शर्मसार घटी है, जिसकी निंदा मैं सलीम पटेल वाहेगावकर महाराष्ट्र प्रदेश राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का जनरल सेक्रेटरी होने की हैसियत से हम लोग निंदा करते हैं। देखिए सही तरीके से अगर कभी ये वारदात की इंक्वायरी अगर होती है तो मुझे लगता है कि दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ ही जाएगा। जिस दिन ये वारदात हुई रात में 11 से 11:30 बजे मैं किराड़पुरा स्टाफ पे अपने घर से आया हूँ, हमारी माँ की गोलियाँ लेने के लिए मेडिकल पे गया था। उस वक्त वहाँ थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा कि कुछ वहाँ झगड़ा जैसा हुआ है, तो मैंने लोगों से पूछा कि भाई क्या हुआ, क्यों रश है, तो मुझे बताया गया कि भाई यहाँ कुछ लोग आए थे और वो कुछ नारेबाजी वगैरह कर रहे थे, जहाँ थोड़ा शर हुआ लेकिन वो आपस में मामला सब जिधर उधर हो गया और वो चले गए, ये भी चले गए। उसके बाद मैं घर पर आ गया हूँ, घर पर आकर सोने के बाद लगभग 1:30 बजे मैं रहता हूं उस घर के पास शेल मारा गया, जिसका धुआं मेरे अपने घर में भी आया। तो जब घर के लोग सब खास रहे थे तो मैं पूछा भाई क्या हुआ, तो पता चला कि बाहर शेल मारा गया और वहां वारदात ऐसी हुई कि मंदिर के पास बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है और वहां जो गाड़े वगैरह जलाई गई और बहुत सारे ऐसे एकदम अचानक से, तो मैं खुद भी घबरा गया कि ऐसी अचानक वारदात क्या हो गई, जबकि मामला तो सब शांत हो गया था। तो अब न बाहर जाते आया न किसी से कांटेक्ट करते आया। अब इस बात का जब मैं सुबह में गया स्टाफ पर, तो ये एक चीज देखने को आई मेरे सामने कि बहुत सारी गाड़ियां जल गई थी और पता नहीं वो जुनून क्यों, कौन थे, कहां के थे, इसका तो कोई अंदाजा नहीं लगा सका। तो वहां कुछ आला ऑफिसर थे जिनसे मैंने गुफ्तगू किया, उन्होंने मुझसे पूछा, तो मैं कहा कि भाई ये बंदे हमारे बस्ती के नहीं हो सकते जिन्होंने आगजनी की है। उसका उदाहरण ऐसा है कि मेरी अपनी खुद की गाड़ी राम मंदिर के पास सालों से खड़े रहती है, कोई वहां धक्का नहीं लगाता, लेकिन मेरी गाड़ी को भी पूरी तहस नहस कर दिए।
तो ये साफ समझ में आता है कि वो मेरे अपने बस्ती के लोग नहीं हो सकते, ये कहीं ना कहीं बाहर के शरिया लोग थे जिन्होंने माहौल खराब करने के लिए ये मामला क्रिएट किया, जिसमें खाजर इम्तियाज जलील साहब भी मंदिर में गए, बाहर सारी बातें हुई, वो तो मैंने मेरे पिछले इंटरव्यू में भी कहा, वो बहरहाल सब मामला टल गया, मालिक का बड़ा करम होगा कि सब मामला आसानी से शांत हो गया। लेकिन ये सब होने के बाद में जो है तो औरंगाबाद के खासदार जो है तो कहीं पर अब नजर नहीं आ रहे है, वो कैमरे के सामने आ नहीं रहे, इसके ऊपर आप क्या? देखिए मैंने कहा कि इससे पहले भी कहा कि खासदार साहब ने अच्छा काम किया, मैंने तारीफ किया, लेकिन आज दसवां दिन निकल गया, खासदार साहब हमको कोर्ट में कहीं भी नजर नहीं आए कि जो बच्चों को लाया जा रहा है उनके पेरेंट्स इस वक्त इतने परेशान हाल है कि हम लोग वहां जाकर उनको तसल्ली दे सक रहे हैं। लेकिन खासदार साहब का अचानक से गायब होना यह बड़ी रुसवाई का मामला दिख रहा है, लोग बहुत नाराज हो रहे हैं। एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और तसल्ली देने के लिए जो कि कोर्ट में नहीं आ रहे, कहीं नहीं आ रहे, तो आखिर क्या बात है कि यह चुप है? यह बड़ा हमारे लिए भी एक सोचने का मकाम बन गया है। अभी ये दुविधा से गुजर ही रहे थे कि कल जो है तो उनके नेता गफ्फार खान जी का एक बयान आता है कि मुस्लिम एरियो में प्रोसिक्यूशन चालू है, गांजे या जो भी नशीले कारोबार चालू है, अवैध धंधे इसको रोकना चाहिए, इसको आप किस नजर? देखिए पहली बात तो ये गलती इम्तियाज जल्ली साहब ने करे कि हमारे नौजवानों को उन्होंने जो बटन प्लेयर कहा है, मैं उनके उस बात का निंदा करता हूँ, ये बहुत गलत बात है। देखिए कोई अपने मारपीट से नशीला पैदा नहीं होता, कोई अपने मारपीट से गुंडा पैदा नहीं होता। हालात के तकाजे में गौर गरीब किसी हालत में हो सकता है कोई एक आध होंगे, लेकिन तुमने नौजवानों के ऊपर जो ब्लेम कर दिए, ये बटन प्लेयर है और इनको ताकीद करो, इन पर कार्रवाई करो। आज आपको मालूम होना चाहिए कि बटन प्लेयर कौन है, क्या है, वो तो वल्ला आलम बीस सवाब। आप इस बात को ध्यान रखिए कि यमायम पार्टी का वजूद आया है बटन प्लेयर की वजह से औरंगाबाद में, ये मैं दावे से कह रहा हूं। जिस वक्त चुनाव चल रहा था, यही लोग हैं जो नौजवान तबका है जिन्होंने आपके लिए दिन रात मेहनत की है, चाहे लड़कर बोलो, झगड़कर बोलो, चाहे किसी भी हालत में बोलो, और आज तुम उनको गर्दुल्ले और बटन प्लेयर कह रहे, ये बहुत शर्म की बात है, मैं तो निंदा करता हूं। देखिए नशेखोर कौन है, क्या है, ये पुलिस बाजप्ता जानती है, तुम्हारी बोलने की जरूरत नहीं है। आज उनके परिवार परेशान है, बेहाल है, मासूम बच्चे ले लेके कोर्ट में खड़े रह रहे हैं, उनका कोई वाली नहीं है, कसूरवार छूट गए, बेकसूर अटक गए। अरे क्या कसूर है उनका, वो तो पुलिस जांच करेगी ना, तुम क्यों उचका रहे हो कि बटन प्लेयर है और इन पे एक्शन? अरे वो एक्शन लेने वाली पुलिस है, तुम क्यों हमारे मोहल्ले को और हमारे बस्तियों कह रहे कि वहां जुए खाने के धंधे चलते हैं और वहां फला ऐसा धंधे चलते हैं, बदनाम करना चाह रहे हैं आप? मुस्लिम महिलाओं के ऊपर प्रोस्टिट्यूशन का अगर जो इल्जाम लगाता है, इसको आप किस नजर से? शर्मसार बात है ये, निंदा करता हूं इनकी बात की, जिन्होंने बस्तियों के अंदर अब मुसलमान बस्तियों में जो इस तरह से कहा है उन्होंने कि मुस्लिम औरतें ऐसा करती वैसा करती है, ये शर्मसार है, इनको उसका जवाब देना पड़ेगा लोगों में आके, ये बहुत गलत बात कही है। कुछ हद तक मैंने भी देखा हूं इनके एमआईएम के लीडर हमारे गफ्फार साहब जो है, इन्होंने कहीं तो भी बोला है डेलीगेशन देने के बाद, जो गलत बात है। अरे भाई पुलिस को मालूम है ना, पुलिस कायदा और सुव्यवस्था की जिम्मेदार है, वो जानती है इस बात को किस बस्ती में क्या चल रहा है, कौन क्या कर रहा है। तुम उजागर कर रहे हो, उचकाने के मायने क्या है? तुम क्या हमारे लोगों को टारगेट करना चाह रहे हो क्या? नौजवान को टारगेट करना चाह रहे हो क्या? खवातीन को टारगेट करना चाह रहे हो क्या? जो बेचारी घरों में अपने कारोबार में बैठी है, वो किस मुसीबत से अपना घर चला रही है, तुम उसको रोड पर लाके बदनाम करना चाह रहे हो क्या? इसका तुमको भुगतान करना पड़ेगा, एमआईएम को लोगों को माफी मांगना चाहिए खुलेआम इन्होंने कि ये जो बिलावजह जो तो हमारी माँ बहनों पर इल्जाम लगा रहे, हमारे यंग जनरेशन पर इल्जाम लगा रहे, ये बहुत गलत बात है। देखिए कार्रवाई होना चाहिए, जिन्होंने ये हरकत की है बेशक उन पर कार्रवाई होना चाहिए, जो दोषी है हम उनका समर्थन नहीं करते। और एक बात मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, हमारे पुलिस आयुक्त निखिल गुप्ता जी से कि हमारे जो पुलिस स्टेशन जिंसी के पीआई थे केंद्रेकर साहब, अगर इनको अगर आप यहाँ ला लेते जिंसी के अंदर तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएंगी, क्योंकि केंद्रेकर साहब हमारे पास लगभग 4 साल रहे, उनको बच्चा बच्चा वो जानते हैं, उनको पूरे पूरे हालात हाजरा मालूम है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूं, क्योंकि डेलीगेशन आज ही हम लोग लेके जाने वाले थे 5-6 चीजों को लेकर, कि जो दोषी उन पर कार्रवाई करो, जो निर्दोष है उनको आप, हाँ ये भी सुनने में आया कि भाई उनको बुलाकर आप पाबंद करके जो नहीं है उनको छोड़ रही है, अभिनंदन बाब है, लेकिन कुछ बेचारे निर्दोष लोग पकड़े गए हैं जो बहुत उनके घर वाले परेशान है, जिनको हम कोर्ट में मिल रहे हैं और उनको हम भी जानते हैं हालात हाजरा क्या है,
तो मैं ही आपके माध्यम से इतना कहना चाहूंगा कि हमारे जो पीआई थे, जो जिसको जिनको जौहर नगर में ट्रांसफर की गई है, उनको इस एसआईटी का भाग बनाकर अगर लाएंगे तो यकीनन सारी बातें सामने आ जाएंगी। केंद्रकर साहब को आप लाएंगे तो वाकई में सारी चीजें आपको मालूम पड़ जाएंगी कि कौन क्या है और कौन कैसा है। एक आखिरी सवाल, जैसे सामने बात आई थी कि दो गुटों के बीच में झगड़ा हुआ है, ये तो आप अगर देखेंगे तो सिर्फ एक ही गुट के ऊपर कार्रवाई हो रही है, तो आप विरोधी पक्ष में भी है, तो आप क्या सरकार से मांग करेंगे? हमने इस बारे में हमारे नेता अजीत दादा पवार साहब को डेलीगेशन दिया है, हमने जो है सारे पार्टी के वरिष्ठों को इस बात का एक डेलीगेशन ऑलरेडी भेज दिया है, और मैं आपके माध्यम से सर्वपक्षीय लोग जो अपोजिशन में एक जगह आकर इस विषय पर माननीय पुलिस अधीक्षक साहब को डेलीगेशन दीजिए और जो सच है सच पर कार्रवाई करो, हमारे इसको कोई समर्थन नहीं है, लेकिन जो निर्दोष पकड़े जा रहे हैं उन पे कहीं ना कहीं थोड़ा रहम करें, क्योंकि आज रमजान का महीना चल रहा है, बेरोजगारी बढ़ी हुई है, आज अगर वो बेचारे बेकसूर जा रहे हैं तो उनके घरों के वादे हो रहे हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि कसूरवार को आप पकड़िए, और जैसा हमारे पुलिस आयुक्त साहब ने कहा था कि लगभग 99 लोग उसके अंदर जो है हमने वो कर लिए, टारगेट कर दिए, तो बेशक आप उनके वायरल कर दीजिए तस्वीरें, ताकि वो जो 99 लोग जो भी होंगे मोमेंट में जो भी कर रहे होंगे तो वो खुलेआम सबके सामने आ जाएंगे, तो वो दोषी सबको समझ में आएंगे, तो कहीं ना कहीं पुलिस की भी मदद हो जाएगी, लेकिन वो लोगों की वजह से आज हजारों लोगों में दहशत फैल गई है, दहशत के माहौल में यंग जनरेशन जी रहा है कि कहीं मुझे ना पकड़ ले, तो ये दहशत को जो है दूर करो और अमन और शांति के साथ इस पर कार्रवाई करें, और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूंगा कि मेरे यंग जनरेशन जो है अमन और शांति का पैगाम फैलाए, दोस्ती इखलास बरकरार रखे, और जो दो समुदाय का मसला हमारे आयुक्त साहब ने कहा था कि दो समुदाय में जो झगड़ा हुआ तो दोनों समुदाय में से अभी एक समुदाय में जो कार्रवाई चल रही है, लिहाजा दूसरे भी समुदाय के बारे में आप एक्शन ले, ऐसे मैं आपसे अपील करता हूँ। जुड़ता हुआ एक सवाल है, चलते चलते पूछना चाहूंगा आपसे कि जहाँ पे हिंसा हुई थी वहाँ आसपास जो है तो बहुत सारी दुकानें हैं और रमजान का महीना चल रहा है, और अभी हमने थोड़ा सर्वे किया तो लोग परेशान है, वहाँ पे अब कोई आ नहीं रहा है, फिर भी डर के मारे कहीं हमको ना पुलिस उठा ले, हाँ, तो आप इन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? कारोबार पूरी तरीके से ठप हो चुके हैं भाई। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं सलीम पटेल वाहेगावकर बिल्कुल खुलकर आपको आह्वान कर रहा हूं कि आप अपने कारोबार खोलिए और किसी दहशत में ना रहे, और जो खरीदार है बेचारे वो भी आए, हमारे पुलिस ने शहर का वातावरण एकदम शांत कर दी है और एक अमन और शांति हमारे शहर में है, लिहाजा अपने कारोबार को खोले और कारोबार खुले मन से करे, ऐसी मैं अपील आपके माध्यम से करना चाहता हूँ। हमारे औरंगाबाद के लिए औरंगाबाद अपडेट पे बहुत ज़्यादा मेहनत होती है, और इनको अभी सब्सक्राइब करना है क्योंकि ये बहुत मेहनत कर रहे हैं औरंगाबाद के लिए, और इनको सब्सक्राइब करेंगे, इनको सपोर्ट करेंगे तो ही औरंगाबाद की हर चीज़ देखने मिलेगी, अच्छी से अच्छी, बुरी से बुरी। तो गाइस प्लीज़ जाके सब्सक्राइब करो, शेयर करो और ढेर सारा प्यार दो। औरंगाबाद अपडेट को सब्सक्राइब करो, औरंगाबाद आप तक हर एक न्यूज़ पहुंचाने की कोशिश करता है, बहुत मेहनत करते हैं और जेन्युइन न्यूज़ ये आप तक पहुंचाते हैं, तो औरंगाबाद के अभी तक लाखों सब्सक्राइबर हो चुके हैं और ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो इनके चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो।